ये प्लास्टिक की झाड़ू मैंने पहली बार देखी है। इट्स नॉट रोलिंग, मतलब इतना वाव नहीं है, तो मेरा तो मेरा सर बड़ा हो गया, मेरी हेड छोटी है। 99 का मेरा चूहे ने काट दिया है। 99 का मेरा पहला वीडियो है शॉर्ट प्लॉट, मतलब दोनों मिला के जिसमें 600+ व्यूज। यहाँ से ना इसके कंधे बहुत ज्यादा लूज हैं, तो सर आप वाली जैसी दिख रही हैं। आंटी आप मेरी वीडियो बनाना ठीक है, क्यूट से छोटे छोटे से फ्रेंड मैंने पहली बार देखे, आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मजाक करके रहा। कुछ मिल रहा, कुछ मिल रहा, कुछ मिल रहा, और सच में ही कुछ मिल रहा। मैं तेरे खा लिया छुट्टी, आप इस साथ खाओ, मजे करो, बैठो। तो कल ही मैंने एक ब्लॉग डाला है और मैं नहीं चाहती इस बार बहुत लंबा टाइम हो जाए, तो इसलिए मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया। खैर मैं अभी बना रही हूँ पोहे एंड उसकी रेसिपी का जो वीडियो है उसका, मतलब वो शॉर्ट वीडियो शूट करने वाली हूँ, उसमें आप देखिएगा पोहे की रेसिपी। तो चले करते हैं बनाना शुरू। तो मैं नहाने से पहले मतलब सारी चीज़ जो है कट करके देती हूँ पोहे के लिए। इसमें डालने वाला है गाजर, टमाटर, प्याज एंड मटर जो है ऑलरेडी छील के रखे थे। हियर इट इज़, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, चाय वहाँ पर ऑलरेडी बनाने के लिए वो भी रख दी है, सारी चीज़ डाल दी वो बनती रहेगी। तो या तो अभी पोहे बन रहे हैं, मैं राइट नाउ इसमें टमाटर तो मैं अभी तक डालूंगी, ला के डालूंगी, मतलब अभी पक जाएंगे। और मैंने गाजर, मटर एंड अनियन आई हैव ऑलरेडी कुक कर दिया है, मतलब इसमें तो मैंने बंद कर दिए, तो अभी कब देख लीजिए। तो मसाला तो अभी रेडी हो रहा है, इसलिए मैं पोहे ले लेती हूँ धोने के लिए। पोहा इज रेडी, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी पूरा शूट कर लिया है एंड यहीं पर मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लूँगी कि मुझे सूखा सूखा सा ये लग रहा है। खाने लायक है, मतलब इतना भी वाव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं आता है बनाना, मैंने भी ऐसे ही मतलब फिर देख के सीखा। रेडी विद पोहा एंड चाय, तो अब चलते हैं दूसरे रूम में एंड इसे करते हैं इंजॉय। हाँ जी, तो फाइनली मैंने अपना आसन ग्रहण कर लिया है इतने टाइम, मतलब इतनी मशक्कत के बाद किचन में पोहे बनाने की मशक्कत, तो टेस्ट ऑफिस मैंने बता दिया है। चलो ऊपर से मैंने इसमें दोबारा से नमक डाल दिया, मुझे कम लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि नमक, लेकिन जैसा कि खाना तो पड़ेगा वेस्ट में करने के लिए मैंने मेहनत से बनाया है। और ये पीसी मशीन की आवाज़ आ रही है, मैं बोल रही हूँ आज मार्केट जाऊँ, हाँ तो मैं सोचा कपड़े धोने के लिए, एनीवेज मार्केट जाऊँ क्योंकि मुझे एक टॉप खरीदना था। नेक्स्ट ही जाते हैं तो आपको दिखाएंगे कि मैं क्या खरीदती हूँ या फिर नहीं। ओके बाय, मिलते हैं। हाँ जी, रेडी टू गो, जैसे कि मैंने बोला था मैं सोच रही जाने के लिए एंड मैंने आंटी से भी बात कर ली है, मतलब गुड़िया आंटी मेरे साथ जाइए वही जाती है मोस्टली एंड वो भी आ चुकी है रेडी होके। तो चलते हैं, मैं जा रही हूँ विशाल मेटामर देखने के लिए कि वहाँ पर कुछ अच्छा कलेक्शन आया है यानी, और ये देखिए यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, मैं ढूंढ रही थी क्या पहनूँ, ऐसे अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो ये भी सही है, वैसे क्रिसमस पार्टी के लिए रेड रेड तो है ही, मुझे देखते कुछ मिलता है तो लेकिन वरना ऐसे इंडिया एक और मैं चीज़ दिखाती हूँ, मैं जो मैंने बताया था मैं सदर बाजार गई थी, मैंने वहाँ से मेकअप भी लिया था, उसको भी मैं आपको डिटेल वीडियो दिखाऊंगी। और मैंने ये साइड पर्स भी वहाँ से लिया था, वो भी बड़ा क्यूट सा लग रहा था, वैसे खाली पड़ा है, जल्दी से उसमें पैसे डाल लेते, खाली तो जाएंगे नहीं, वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं विशाल मेरा मार्ग, बट हाँ बस स्टैंड है तो थोड़ा दूर तो पड़ता है, पैदल हम नहीं जा सकते, तो मैं जा रही हूँ सुबह आंटी से स्कूटी लेने के लिए, तो चलते हैं। वहाँ से आंटी काटने वाली है चाबी, पेट्रो शिट। तो ये वाले स्कूटी अब मैं निकालने वाले, देखते हैं। तो मैं स्कूटी ले आई हूँ और यहाँ आंटी भी आ चुकी है, तो चलते हैं। तो बंद हम बैठ चुके हैं जाने के लिए, और आंटी आप मेरी वीडियो बनाना ठीक है। यहाँ पर ये सारी शॉर्ट कुर्तीज जो कि मैंने उड़ीसा में बहुत ढूंढा यहाँ पर, और ये सिर्फ 99, अच्छा ये 300 वाला, ये 99 है ओनली। मुझे कुछ पसंद नहीं आया, और जो आया वो मेरे साइज का ही है, छोटे छोटे बच्चों के ज़्यादा अच्छे कलेक्शन है, तो मैं सोच रही हूँ
पहनने के। तो यहाँ पर हमारे पास फुटवियर्स भी अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर है लोवर्स, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ बैग्स ऑल्सो एंड ग्लासेस, वी हैव अ टॉय सेक्शन एज वेल। ग्रोसरी सेक्शन मिल रहा है, मैं क्या करूँ। ये आंटी यहाँ पर कुछ कुछ ढूंढ रही है, आंटी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को मर रहा कुछ नहीं मिला, सारे मतलब गर्मियों के कपड़े वाले आए थे लेकिन इतने अच्छे नहीं है, बेकार हुआ ना। लेकिन यहाँ ब्लॉग तो बन गया, घूमने में मज़ा आया। मैंने ऊपर वाले सेक्शन में आई नहीं थी, तो मैं पिछली बार पापा के साथ आई थी, ऊपर वाले देख लिया, यहाँ पर ग्रोसरी भी है एंड मतलब ऊपर भी है क्लोथिंग सेक्शन, लेकिन वहाँ पर इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है। ये प्लास्टिक की झाड़ू मैंने पहली बार देखी है, मुझे अपनी बोतल मिल चुकी है, ये भी बोतल ही है पानी वाली, ये तो शराब वाली जैसी दिख रही है। नहीं, यहाँ पर किचन का भी सामान है, मतलब ओवरऑल सारी वैरायटी अवेलेबल है एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कराइज एंड तवा, ये लगा लिया है। ये तो मैं सिर्फ 99 का, और मेरा चूहे ने काट दिया है। 99 का है, लिखा नहीं है इसका है ये सिंगल, अच्छा सिंगल, ओ माय गॉड मैंने क्या ही देखा, ओ 359 का है, तभी मैं सोची देखे कितने सुंदर लगे, शुरू में लगा मुझे चोटी में लटकाने वाला है, लेकिन ये है कटीन टाई बैक रोप, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो फिर हमसे चलते हैं नीचे, हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो हम जा रहे हैं वापस, चल मेरा मार से निकल के हम आ रहे थे मार्केट में, आंटी एक शॉप पे लेकर आए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया। आई एम बैक एट होम, मैं ये पता नहीं कितनी बार ही बोल चुकी हूँ ब्लॉग में, जब से मैंने अभी शुरू करा है, मतलब जैसे मैं विशाल मेरा मार्ट से ही मैं बोलते आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और सच में ही कुछ नहीं मिल रहा। मैं तेरे खाली हाथ आई हूँ वापस, अब फिर मैं बाजार में, जैसे आपने देखा होगा वहाँ तो था ही नहीं, देखते शाम को जाएंगे यानी मम्मी के साथ किसी शॉप से लेना पड़ेगा, अदरवाइज पहनना पड़ेगा ना। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मम्मी मुझे साथ लेके गई है, एक्चुअली बात ये है कि मैं नॉर्मल अपना डिनर कर रही थी और जैसे ही आया मैंने उसकी शक्ल देख के बोला नहीं यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही मैंने टेस्ट करा वाज लाइक इट्स वाओ, तो मेरा वो ख़त्म हो गया, लेकिन चावल और दाल बच गया। एक्चुअली मैंने ना अभी अभी अपनी नई नई ट्रे निकलवाई, मुझे नया नया शौक चढ़ा कि मैं ट्रे में खाना खाऊंगी, सो ये भी थोड़े बहुत दिन का है वो भी चला जाएगा। एनीवेज मैं साथ की बात कर रही थी, इट वॉज वेरी मतलब इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी, सिंपल मतलब पालक का साग है और उसकी भुजिया बना रखी है, उसमें टमाटो अनियंस एंड आई डोंट नो क्या डाला है, जो भी है बहुत टेस्टी है, तो बस मुझे यही बताना था। सर्दी आ चुकी है, आप भी साग खाओ, मजे करो। देखिए मम्मी आई है अभी मार्केट से और क्या लेकर आई है, इतने क्यूट से छोटे छोटे से ब्रेड मैंने पहली बार देखे, तीन तीन चीज़ लाई है ये देखो। एंड लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस ब्लेजर, जो कि मेरे पिछले ब्लॉग में भी देख रहा हो रहा कि मैं पहन के बैठी हूँ, एक्चुअली मैंने ये ऐसे ही रखा हुआ था और ये मुझे ना थोड़ा सा लूज़ है तो मैं बाहर नहीं पहन के जा सकती, मैंने सोचा कि घर में डेली यूज़ कर लो, तो दैट्स व्हाई मैं जो भी पहनती हूँ उसके ऊपर ये पहन लेती हूँ, मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है। इट इज़ देखिए मैंने किसके ऊपर ये पहन रखा है, ऐसे ही मैंने पहन रखा था, यहाँ से ना ये इसके कंधे बहुत ज़्यादा लूज हैं, दैट्स व्हाई। मैंने जैसे कि अभी आपको ब्रेड वाले दिखाए थे, मुझसे बिल्कुल भी सबर नहीं आ रहा, तो मैं अपना पूरा सेटअप लेके बैठ चुकी हूँ, वेट में आपको बैठ के तो मैंने ले ली है मेयोनीज़ और ना कल रात की साग बची थी, मेयोनीज़ और साग फिल करके इसको बना लेते हैं यम्मी सा स्नैक। एंड बाय द वे मैं एक ऑलरेडी खा चुकी हूँ, मतलब थाली मेयोनीज़ लगा के, सो हेयर इज़ द मेयोनीज़, हेयर इज़ द, इधर ही कितना क्यूट सा ब्रेड है, तो चलिए लगाते हैं इस पर मेयोनीज़। तो ये हमने लगा ली है मेयोनीज़, टाइम टू पुट्टा साग, आज मैंने ना फ्रिज में रखी थी, फ्रिज से डायरेक्ट निकाली, मेरे पास इतना मतलब इतना सफर नहीं है थी, ओह शिट मुझे इतना सफर नहीं है थी, मैं ना इसको गर्म करूँ, आई नो इसके बाद मुझे ठंड भी लग सकती है यार, इट्स नॉट रोलिंग, या
सो यम्मी, चलो मैं और उठा लेती हूँ। लुक व्हाट आई फाउंड, एक्चुअली मैं अपने सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी और मुझे ये अपनी हेड कैलो टोपी जो भी मिली और साथ में इसका ये मफलर, ये शायद या मैं शायद वैष्णो देवी गई थी वहाँ से मैंने ये लिया था और मुझे लगता मेरा सर बड़ा हो गया, ये हेड छोटी रह गई यार। लुक एट मी एंड ये देखो पीछे पूरा फैला पड़ा है। चलिए एंड वन मोर थिंग, मुझे एक बॉक्स में मिल गया अपना मेकअप वगैरह रखने के लिए, मैं आपको बहुत ही जल्द दिखाऊंगी। वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं मेकअप में, तीन मुश्किल से पांच छह चीज़ें होंगी, फिर मैं आपको दिखा दूँ। एंड या मुझे क्रिसमस पर पहनना है वो ड्रेस भी मिल गई ढूंढते, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मजाक करा नहीं करेंगे दिखाती। तो अभी मैं ये बस लास्ट आउटर लेने के लिए बैठी हूँ और मैंने वो जो पोहा बनाया था उसका मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाला था और डालते ही मतलब इतने जल्दी व्यूज़ इंक्रीज होए जा रहे और अभी जो है 600 प्लस पर है। एंड ये मेरा पहला वीडियो है शॉर्ट व्लॉग मतलब दोनों मिला के जिसमें 600 प्लस व्यूज़ रहे हैं। एंड मेरे लिए तो इतना भी ज़्यादा है कि इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस वीडियो पे 100 प्लस चलो 50 भी नहीं आ पाते हैं इतनी जल्दी से, वो धीरे 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 होते पता नहीं कितने महीनों में बढ़ते हैं। बट या थैंक यू सो मच कि मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने ऐसे ही बस मैं थोड़ा ही टाइम और मैं उसे एडिट कर रही थी और डालते ही मतलब, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। एनीवेज मैंने कोशिश करी है कि मैं अब जल्दी जल्दी ब्लॉग डालूँ, तो जैसा भी ये ब्लॉग मैंने बना लिया है आप देखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाय।